इतना टाइम नहीं लगाती हमें कॉल करने में। अभी वो हमारी छोटी बहन है, नाराज होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम उसकी खैर खबर पूछना ही छोड़ दें। हो सकता है उसके ससुराल में कोई परेशानी हो, उसे हमारी मदद की जरूरत हो। ऐसे ना बोलो मरियम, इससे तो मेरी परेशानी बढ़ती जा रही। मैं तो उसका फोन उठाना चाहती थी, लेकिन तुम्हें पता है अगर अम्मी को पता चलता तो अम्मी नाराज हो जाती। तुम ये भी जानती हो कि अम्मी ने उससे ना बात करने की कसम दी रखी है हमें। मलिया इस तरह परेशान तो ना हो, मुझे घबराहट हो रही है। अगर काश उसका फोन उठा लेती, वो सच में परेशानी में हुई तो क्या करें आप? हम आप ही उसको खुद कॉल कर। लेकिन अम्मी तुम एक काम करो, तुम उसको कॉल करो कमरे में जाके, मैं अम्मी के पास जाती हूँ और कमरे को अंदर से लॉक कर लेना। हाँ ये ठीक है। चलो बीबी जी। आप उससे नाराज तो नहीं है ना? मैडम तुम्हें क्यों ऐसे लगा मैं तुमसे नाराज होंगी? वो मैं आपके लिए जूस लेकर आ रही थी तो बेगम साहिबा ने। अरे मैं तुमसे बिल्कुल नहीं नाराज, ये मुझे खुशी इस बात की है कि पापा के आने का सही वक्त पे तुमने मुझे बता दिया। थैंक यू। आइंदा भी होशियार रहना। अल्लाह आपको इस पूरे घर की मालकिन बनाए, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। किंजा बीबी और बड़ी बेगम साहबा, वो तो एक एक रोटी का हिसाब लेती है मुझसे। अच्छा तुम जाओ, मैं बात करती हूँ तुमसे। हेलो हेलो फायजा, कैसी हो तुम? तुमने फोन किया था, सब खैरियत है ना? अरे अरे एक मिनट सब्र करें, सांस तो लेने दें, एक साथ इतने सारे सवाल। वो तुमने अचानक फोन किया था ना तो मैं डर गई थी। बताओ ना सब ठीक है? मेरी वजह से परेशान ना हुआ करें आप, मैं तो यहाँ बहुत मजे में हूँ और अपनी आइडियल जिंदगी गुजार रही। लेकिन आपके बारे में कुछ खबरें मिल रही हैं मुझे। कैसी खबरें? यही कि आप इतनी अजीम हो गई हैं कि अपने ही हाथों से अपनी मोहब्बत को अपनी बड़ी बहन की झोली में डाल रही हैं। इस सारे चक्कर का पता भी है आपको? कौन सा चक्कर और तुम किस चक्कर की बात कर रही हो? अरे यही चक्कर जो आप फहद भाई और महनाज आपी की शादी का चला रहे हैं। चक्कर नहीं है फायजा, फहद की और आपी की शादी हो रही है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी आ जाओ, दोनों बहनें मिलकर आपी को रुखसत करेंगे। मेरी बात सुने, क्या आपको वाकई लगता है कि मैं उस घर में दोबारा आऊंगी जहाँ पे मुझे मुर्दा करार देके निकाल दिया गया था? और वैसे भी मैं अगर आना भी चाहूँ ना तो आप लोगों के इलाके की गलियां ही इतनी तंग है कि मेरी बड़ी सी गाड़ी आ ही नहीं सकेगी। वैसे आपने मुझे जवाब नहीं दिया, क्या आप ही को पता है कि आपके और फहद भाई की मोहब्बत? और नहीं नहीं आप ही को कुछ नहीं पता, और प्लीज तुम भी आप ही को कुछ मत बताना प्लीज। हाँ हाँ डरे मत, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताने वाली, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि आप अगर खुद बता देंगी तो बेहतर होगा, वरना आपके आसपास एक नहीं काफी दुश्मन फिर रहे हैं।